मैं हूं अली अब्बास, तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पे। ग्रेट डायरेक्शन, ग्रेट आर्टिस्ट, ईच एंड एवरीथिंग। एंड फिल्म की बात करिए तो फिल्म को देखिए, कोई देशभक्ति वाली फील आती है जब आप देखते हैं? नहीं, बाला में तो ऑब्वियसली नहीं आती, बाला में तो नहीं आती। बाला एक नेचुरल जनरल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। बट स्क्रीन पे जो था वो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था। ओके, बाला की अगर बात करी जाए फिल्म की, तो लगता है कि जो प्रॉब्लम से लोग गुजर रहे हैं इसमें एक आम आदमी की प्रॉब्लम को दिखाया गया है। हाँ, बिल्कुल डाउन टू अर्थ चीज़ों को उठाया गया है। और अब ये चीज़ जैसे कि बैटमैन आई थी तो वो चीज़ कॉमन हो गई। आने के बाद जैसे ऑडियंस के पास प्रेजेंटेशन आती है ना चीज़ों की, जैसे फिल्म के थ्रू, तो वो चीज़ें ईजिली माइंड में आ जाती हैं। तो बाला भी एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया है अब तो, इतना ज़्यादा इशू करने की। और मूवीज़ के थ्रू अपन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये सब चीज़ें कॉमन हैं और नेचुरल है। ओके, कितने स्टार देना चाहिए? 4-5 स्टार। अच्छी लगी बाला, बहुत अच्छी लगी भाई। परफॉर्मेंस भूमि पेटनेकर है, यामी गौतम है, आयुष्मान है, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, मतलब काफ़ी प्रभावित करेगी लोगों को। और एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज भी दिया है, तो सभी को देखनी चाहिए। और आयुष्मान की अभी काफ़ी हाँ नहीं, आयुष्मान है, भूमि पेटनेकर है, ये जब भी आते हैं कोई अच्छा सब्जेक्ट लेके आते हैं, ये घिसी पिटी कलंक लगाने वाली चीज़ें नहीं लेके आते, ये अच्छी चीज़ें लेके आते हैं। तो अच्छी चीज़ें पब्लिक को पसंद, क्योंकि आज के टाइम में हीरो कोई नहीं है, आज के टाइम में स्क्रिप्ट हीरो है बस। कितने स्टार देते हैं? 5-10। जब यामी गौतम को पता चलता है कि आयुष्मान खुराना टकला है। नहीं, सुपर, कुछ अलग स्टोरी लाए, अलग स्क्रिप्ट लाए मूवी में, तो डायरेक्शन भी अच्छा है। तो इस तरह की स्टोरी और बननी चाहिए ज़रूर फिल्म में। और सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा पसंद है? कि ये कि वो दिखाती है कि हमारे समाज में जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए, सबको एक समान मानना चाहिए। इस फिल्म से आप क्या लेकर जा रहे हैं? वही कि हर किसी को सोच बदलनी चाहिए और किसी के बीच भेदभाव नहीं रखना चाहिए। 3.5। Your Bala film was really nice because the concept was really good. And कहानी कैसे बात करी है? कहानी कैसी थी? कहानी जिस तरीके से बनी थी, I think ऐसी फिल्में और बननी चाहिए, बिकॉज हमारी जो जनता है इंडिया की, वो सब यही बिलीव करते हैं कि नो गोरा सुंदर है, बाल है तो सुंदर है। इट्स नॉट लाइक दैट, यू नीड टू लव योर सेल्फ। एंड द स्टोरी लाइन वॉज ब्रिलियंट, वॉज वेरी ब्यूटिफुल। डायरेक्शन कैसा लगा? एक्टिंग की बात की जाए, आयुष्मान खुराना एज एन एक्टर मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत अमेजिंग काम करते हैं। भूमि पेडनेकर और यामी गौतम में अगर आप मुझे बोलो तो भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शी इज द यू नो शी ओनली गेट्स द चेंज इन द फिल्म। सो या, भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर मुझे बहुत अमेजिंग लगा, लेकिन यामी गौतम की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। और इसी के साथ में फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं एक वननेस को दिखाती है। आप जैसे हैं, उससे प्यार करें, ये फिल्म में दिखाया गया है। True. लगता है कि मतलब एक ये फिल्म देखने के बाद में लोगों का एक मैसेज पहुंचेगा? यार डेफिनेटली पहुंचेगा, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा बॉलीवुड सेंट्रिक है, और मतलब फिल्म से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को रिलेट करते हैं। सो आई थिंक आई एम श्योर कि आज बहुत सारे गंजे भी उतार के फेंकेंगे। और इसी के साथ में क्या, गाने कैसे लगे आपको? गानों पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बिकॉज द स्टोरी लाइन इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड कितने स्टार देना चाहते हो? आई थिंक 4। अच्छा है, इसमें एक मैसेज देते हैं, इंसान जैसा है वैसा ही दिखना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए, अच्छा बनने के। इस तरह की मूवी और बननी चाहिए? हाँ, सब जो भी प्रॉब्लम्स वाली मूवी बनना चाहिए। और आयुष्मान खुराना ने वैसे ही मूवी में ही काम किया है, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है ऐसा। भूमि पेडनेकर का रोल अच्छा है उसका, वो सावली का रोल किया है उसने, अच्छा रोल। 4-5 में से। नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास, तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर।